माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, जिसमें इत्तेफाक के आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की दीनी दुनियावी मुश्किलात जो आसान फरमाए और सेहत तो तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी जो है अता फरमाए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि रमज़ान का रहमतों और बरकतों वाला महीना जो है वो जारी और सारी है, और आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं आज के रोज़े की रूटीन। और रूटीन में हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो कि ख़वातीन की बहुत ही पसंदीदा है। भाई देखते हैं कि आज की इफ्तार रूटीन में हम क्या बनाने वाले हैं, एक तो बनाते हैं और दूसरा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इफ्तार रूटीन के लिए कुछ हमें चाहिए थे शलजम जो हमने उखाड़ ली अपने खेत से, और कुछ चाहिए पालक वो भी हम काट लेते हैं यहाँ से। कुछ हम काट लेंगे कसूरी मेथी, कुछ हमें फ्रेश लहसुन भी चाहिए, तो आज की इफ्तार रूटीन के लिए तमाम चीज़ें जो हमें चाहिए थी, जो रेसिपीज़ हमने बनानी है उसके लिए चीज़ें हम इकट्ठी करके ले आए हैं, और अभी रेसिपी जो स्टार्ट करते हैं। चूल्हे में जलाएंगे आग,
चूल्हे में आग जल गई है, कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे पे, कढ़ाई में डाल लेंगे पानी। पानी को उबलने के लिए रख दिए और शलजम को भी उबाल लेंगे। शलजम को उबालने से पहले छील लेंगे। कढ़ाई में शलजम डालने के बाद कढ़ाई को ऊपर से डाल देंगे और शलजम को नरम होने तक उबाल लेंगे। जब तक शलजम उबलते हैं इतनी देर में हम दूसरे चूल्हे पे तैयार कर लेंगे शलजम के लिए मसाला। आग जल गई और दूसरे चूल्हे पे भी रख लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। ऑयल के गर्म होने तक काट लेंगे प्याज। प्याज को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे प्याज। प्याज को नरम कर लेंगे। अभी हम काट लेंगे लहसुन। लहसुन का हम व्हाइट पोर्शन इस्तेमाल करेंगे पहले। थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे अदरक और अदरक को कूट लेंगे। प्याज के नरम होने पे साथ ही हम कढ़ाई में डालेंगे फ्रेश लहसुन। लहसुन को भी नरम होने तक पका लेंगे। एक अदद इस्तेमाल करेंगे टमाटर। प्याज और लहसुन को पका लिया, अभी शामिल कर लेंगे टमाटर। अभी शामिल कर लेंगे कुटा हुआ अदरक। अभी काट लेंगे लहसुन का ग्रीन पोर्शन। अभी लहसुन के ग्रीन पोर्शन को भी कढ़ाई में डाल लेंगे। अभी काट लेंगे पालक। बिस्मिल्लाह।
अभी कढ़ाई में डाल लेंगे पालक। चूरी मेथी काट लेंगे। कसूरी मेथी को कढ़ाई में डाल लेंगे। प्याज, अदरक, लहसुन, पालक और मेथी को अच्छी तरह नरम कर लिया। अभी हम शामिल कर लेंगे बाकी मसाला जात। नमक शामिल कर लेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। अभी मसाले की अच्छी तरह बुनाई करेंगे। अभी हम काट लेंगे हरी मिर्च। इसको भी काटने के साथ ही कढ़ाई में डाल लेंगे। मसाले की अच्छी तरह बुनाई कर ली है, मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दी है और अभी चलते हैं शलजम की तरफ। शलजम हमारे ज़बरदस्त नरम हो गए। शलजम को निकाल के साथ ही हम कढ़ाई में डाल लेंगे। शलजम की मसाले के साथ अच्छी तरह बुनाई करेंगे और साथ इनको मैश कर लेंगे। शलजम को मसाले के साथ अच्छी तरह मैश कर लिया। अभी हम शलजम को लगाएंगे थोड़ा सा दम। इस पानी में हमने शलजम को उबाला था वो पानी भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसको भी हम डाल लेंगे चावलों में। चावलों के लिए पतीले को रखेंगे चूल्हे पे। पतीले में डाल लेंगे नमक, शलजम को उबालने के लिए नमक हमने इस्तेमाल नहीं किया था इसलिए नमक हम हसबे जायका इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा शामिल कर लेंगे ऑयल। इस पानी में चावल पकाने का फ़ायदा ये होगा कि चावलों में से भी बहुत ही मज़ेदार सी शलजम की खुशबू आएगी। चावलों को एक दफा हिलाएंगे। और पतीले को ऊपर से डाल देंगे। अभी चलते हैं शलजम की तरफ दोबारा। माशाल्लाह माशाल्लाह शलजम का सालन हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया।
शलजम के साथ शामिल कर लेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया। शलजम का सालन हमारा तैयार हो गया और अभी कढ़ाई को उतार लेंगे चूल्हे से नीचे। चावल में से भी पानी खुश्क हो गया, चावलों को अभी रखेंगे दम पे और चावलों के नीचे से आग जो निकाल लेंगे, सारी की सारी लकड़ियाँ हम निकाल लेंगे और दूसरी साइड पे हम तैयार कर लेंगे पकौड़े। पकौड़ों के लिए कढ़ाई को रख लेंगे चूल्हे पे। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, आलू के साथ शामिल कर लेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और साथ में शामिल कर लेंगे बेसन। पकौड़ों के लिए मटेरियल हमारा तैयार हो गया और अभी पकौड़े भी तैयार करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह माशाल्लाह चावल भी हमारे ज़बरदस्त से तैयार हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमारे मेन्यू में पकौड़े, ज़बरदस्त से सादा चावल, कलर माशाल्लाह चेक करें किस कदर ज़बरदस्त आया इन पे, खरबूजे, चाट, शलजम का मज़ेदार सा सालन, खजूर, माल्टा, वो किसी भी है इसमें
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चावल और शलमा हमारे तैयार हुए हैं। ये थी हमारी आज की इफ्तार रूटीन। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई। पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ साथ। जो दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुँचे। तो हम याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।